खबर बूंदी के नैनवा से है, जहां 5 साल की नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। वहीं इस घटना को अंजाम देने वाला कोई और नहीं बल्कि बच्ची का चाचा ही है। जानकारी की माने तो करवर थाना क्षेत्र में एक युवक ने अपनी ही 5 साल की नाबालिग भतीजी के साथ इस शर्मसार करने वाली वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस से मिली जानकारी की माने तो आरोपी ने पीड़िता को टीवी देखने के बहाने घर पर बुलाया और साथ ही इस घिनौनी वारदात को अंजाम यहां पर दिया गया। इस दौरान बच्ची की आवाज सुनकर जब परिजन घर पहुंचे तो आरोपी मौके से फरार हो गया। इसके बाद परिजनों ने पुलिस को सूचना दी और साथ ही बच्ची को अस्पताल पहुंचाया, जहां से गंभीर हालत में बच्ची को जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। वहीं पुलिस ने पीड़िता के पिता की रिपोर्ट पर मामले की जाँच पड़ताल शुरू कर दी है। नारगंज गांव है, वहाँ पर कोई गुड़िया है, उसके साथ रेप संबंधी घटना का मामला है। अभी करीब 3:30 बजे के आसपास सूचना मिली थी कंट्रोल रूम से कि कोई गुड़िया के साथ कोई घटना कारित हुई, तो मौके पर मैं गया। इसके परिवारजन वहाँ उपस्थित मिले, उन्होंने बताया कि साहब हमारे पड़ोस में रहता है, हमारे दाती का ही है, विनोद नाम का लड़का बताया, उसने इसके साथ ऐसी घटना कारित करी, इसको हम लेके दही हॉस्पिटल आए, यहाँ से रेफर किया डॉक्टर साहब ने, और ज्यादा जानकारी देने के लिए एवन संवाददाता मनोज कुमार फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। मनोज, बेहद शर्मसार करने वाली घटनाएं सामने आई है, किस तरीके से मामले की जांच पड़ताल की जा रही है, क्या जानकारी आपके पास, बताएं। जी लवीना, मैं आपको बता दूं, ये करवर थाना क्षेत्र की घटना है जी, जिसमें एक गरिंदगी हुई है 5 वर्षीय मासूम के साथ जी, जिसके सूचना पुलिस को मिलने के बाद पुलिस ने तुरंत पीड़िता का मेडिकल करवाया है जी। और इस घटना से पूरे जिले में नहीं पूरे राजस्थान में शर्मसार कर देने वाली बात सामने आई है जी, जिसको लेकर पुलिस शायद अब तक आरोपी को राउंड अप कर चुकी है जी। जी मनोज, क्या आरोपी को राउंड अप कर लिया गया है, इसके लिए क्या जानकारी आपके पास? जी जानकारी आई है मैडम कि आरोपी को राउंड अप कर लिया गया है, जल्दी उसकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। जी मनोज, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार आपको फिर से बूंदी के नैनवा से खबर बता रहे, जहां 5 साल की नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई है और आरोपी को राउंड अप भी कर लिया गया है, ये भी जानकारी अब तक सामने आ पा रही है।